हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता रही हूँ रिगार्डिंग दैट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। इसमें अगर आपने डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो डिप्लोमा के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके बारे में जो जो नोटिफिकेशन आई है, आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप आसानी से इसमें वेबसाइट पर पहुंच सकें। उसके बाद आपने एडमिशन लेना है तो यहां पर हम एडमिशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से देखिए ये पोर्टल खुलेगा और उसमें नीचे आएगा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन, सेकेंड ईयर एडमिशन, फर्स्ट ईयर नॉन इंजीनियरिंग एडमिशन। तो आपने जिसमें भी एडमिशन लेना है, अगर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन डिप्लोमा में लेना है तो इसमें क्लिक करेंगे, सेकंड ईयर में लेना है तो इस पे, और फर्स्ट ईयर नॉन इंजीनियरिंग में लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने नॉन इंजीनियरिंग पे क्लिक किया तो नॉन इंजीनियरिंग का ये सब आ जाएगा। तो अभी हम पहले डिप्लोमा का देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, आपने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन डिप्लोमा में हमने क्लिक किया। डिप्लोमा में जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें ये सब आएगा, नोटिफिकेशन फिलअप ऑनलाइन फॉर्म, डेट शेड्यूल, गाइडलाइन फॉर फिलअप ऑफ एडमिशन फॉर्म। तो सबसे पहले हम ये सब इस वीडियो में देखेंगे और जो दूसरी वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन हम खोलते हैं। नोटिफिकेशन जैसे ही खोलेंगे तो देखिए ये नोटिफिकेशन पहले आया हुआ है 7 अगस्त को, प्रवेश सत्र 2020-21 के लिए राजस्थान के समस्त राजकीय एवं निजी सही शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों से केंद्रीकृत पद्धति से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं विकल्प पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ की तिथि है वह 10 अगस्त है, और इंटरनेट के माध्यम से ईमेल का आवेदन भरने का ऑप्शन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि शुरू होगा 10 अगस्त और 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। और प्रथम वर्ष केंद्रीय प्रवेश हेतु संयोजक प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर एवं वर्ष केंद्रीय प्रवेश हेतु संयोजक प्रधानाचार्य में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक होगा। अगर आपने किसी में भी एडमिशन लेना है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो प्रारंभिक जो तिथि है वो 10 अगस्त है और अंतिम तिथि 20 अगस्त है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ डेट शेड्यूल। जैसे मैंने बताया 10 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए शेड्यूल क्या है। तो प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 अगस्त से 20 अगस्त तक, अस्थायी योग्यता सूची जारी करने की तिथि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 21 अगस्त को मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी, और योग्यता सूची के संशोधन करने के लिए पोर्टल के माध्यम से संबंधित अपलोड करना, और 22 अगस्त से 24 अगस्त तक आपको जो भी सर्टिफिकेट होंगे वो सब अपलोड करने होंगे जब आपका नंबर आ जाएगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट 26 अगस्त को होगी। और एक्स सर्विस मैन, सिंगल मदर, चाइल्ड और डिपेंडेंट की मैनुअल काउंसलिंग जो है वो 27 से शुरू होगी प्रातः 10 बजे तक, और प्रथम सीट आवंटन की तिथि 31 अगस्त को है, ये आपका दे रखा है तो इसी के अकॉर्डिंग होगा। और प्रथम सीट आवंटन पश्चात निर्धारित नोडल केंद्र पर मूल दस्तावेज और शुल्क ₹1000 के साथ रिपोर्ट करना, एवं रिपोर्टिंग उपरांत मूवमेंट के लिए नोडल केंद्र पर आवेदन करना, वो 1 सितंबर से आप 3 सितंबर कर सकते हैं। और अपवर्ड मूवमेंट के आवेदकों की सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी, मतलब फिर दोबारा होगा वो 4 सितंबर को होगी। द्वितीय सेकंड जो काउंसलिंग होगी 7 सितंबर को होगी, और जो सीट होगी उसमें ₹1000 फिर से लगेंगे अगर आपने अब काउंसलिंग में लेना है तो 8 सितंबर से 10 सितंबर तक उसकी वो होगी। इस टाइप से ये आपका प्रोसेस है। और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों में अगर प्रवेश लेना है तो वो 21 सितंबर तक होगा, तो लास्ट डेट जो है वो सब प्रोसेस आपका 29 सितंबर को खत्म हो जाएगा। और उसके बाद पोर्टल जो ये है इस पे जाना होगा, कार्यालय समय 10 से 5 बजे तक आप इस पोर्टल पे काम कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। और उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये तो हुआ हमारा देखिए नोटिफिकेशन डेट शेड्यूल।
अब गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑफ एडमिशन फॉर्म, ये हम नेक्स्ट में गाइडलाइन कैसे फिल करना है और ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पूरी की पूरी अपडेट मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।